टांगों में कुछ होता है, टांगों में 20 साल हो गए के जब मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद ना मेरे ऐसे बीच में ना कुछ खाता है, जैसे मैं रात को नींद आती है, टीके लगवा लेती हूँ, फिर बीच में ऐसे है, फिर वैसे होता ही चुना है काफी टाइम से ना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 53 टांगों में दर्द। अच्छा देखिए, 20 साल हो गए आपकी तकलीफ को, और कितनी हिम्मत वाली होंगी आप, और क्या इलाज नहीं किया होगा। देखिए, एक इलाज मैं बताता हूँ, जहाँ तक भी पहुँच जाता है उन लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। आपके घर में जो अलसी होती है, ये 200-300 ग्राम अलसी नहीं हो तो बाज़ार से ख़रीद लें अलसी, और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। ये दुनिया के विश्व के प्रसिद्ध नुस्खों में से ये नुस्खा है, और मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं देखा। मुझे भगवान ने बहुत अनुभवी बनाया है, और मुझे हज़ारों दवाओं का अनुभव है, तो अगर आप विश्वास करें तो ये अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें 200-300 ग्राम ख़रीद के। और एक आता है गौंस्याह, स्याह कहते हैं काले को, हम लोग गौंस्याह कहते हैं, और आसान भाषा में काला गौंद कहते हैं, लेकिन अब ये नकली बहुत मिलने लगा है, असली लेना है आपको। वो खाली 100 ग्राम ख़रीद लें, अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए काफ़ी होना चाहिए आपके रोग के लिए, चाहे वो 20 साल पुराना हो या 30 साल पुराना। ये गौंस्याह यानी काला गौंद दुकानदार अक्सर एलवा दे देते हैं, इसकी जगह पर एलवा नहीं है, या ढाक का गौंद दे देते हैं, ढाक का गौंद भी नहीं है, ये एक चमकने वाला गौंद कुछ पकड़ा देते हैं आपको और ले लेते हैं। देखिए, ये चमकने वाला नहीं होता, और इसको आप 1 ग्राम लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधे चम्मच अलसी के साथ, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आधा चम्मच अलसी के साथ मिला के खा लिया करें। 5-7 दिन सब्र करें, 5 या 7 दिन में इसका रिजल्ट आने लगता है थोड़ा थोड़ा। और अगर ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है आपका बस, और 100 ग्राम में मिल गया तो रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। बस आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, एक कुर्सी वाला, और मेहनत का काम ना करें ज़्यादा, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।